जय हिंद दोस्तों। चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे रोबोट के बारे में, ठीक है। और मेरे इस वीडियो को अगर यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। और मेरे इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ठीक है। और चलिए आज इस वीडियो में हम आज जानेंगे, चर्चा करेंगे रोबोट के बारे में, ये रोबोट क्या होता है, ठीक है। और ये आप लोग तो रोबोट नाम तो सुनते आ रहे होंगे, लेकिन ये रोबोट क्या चीज़ है, ठीक है। ये हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से ये उपयोगी है और हमारे लिए उपयोगी के साथ हानिकारक भी है, ठीक है। हानिकारक कैसे है, चलिए आज इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। रोबोट एक तरह के आप तो माइंड में आप लोगों का आता होगा कि चलता फिरता हुआ एक मशीन, ठीक है। तो एक क्या है रोबोट, रोबोट को हम ऐसे तो कहेंगे, अपने भाषा में समझेंगे, अपने दिमाग से अपने दिमाग को विजुअलाइज करके समझेंगे कि रोबोट एक चलता फिरता हुआ एक मशीन है, डिवाइस है, ठीक है, जो एक मनुष्य की तरह ही, एक इंसान के जैसा ही वह वर्क करता है, ठीक है। एक इंसान के जैसा वो रहता है, चलता है, फिरता है, लेकिन उसका सोचने और समझने की जरिया अलग रहता है मनुष्य की अपेक्षा में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे रोबोट के बारे में, और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। और इस रोबोट में क्या फायदा है और यह किस तरह से हानि भी है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से जानेंगे इस जानकारी को, ठीक है। तो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है, और इस लिखे हुए जो मैंने लाइन लिखा है, इस लाइन से हम समझेंगे कि ये लाइन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। और ये इसके हिसाब से भी हम समझेंगे और अपने भाषा में भी हम समझेंगे कि रोबोट क्या चीज है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रोबोट, रोबोट रोबोट एक क्या है, रोबोट एक तरह से हमारे माइंड में आता है कि एक इंसान जैसा मशीन, इंसानी रूप जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे रोबोट आप कह सकते हैं कि एक तरह के आभासी, आभासी है जो एक कल्पना कर सकता है, ठीक है। आभासी जैसे मनुष्य जैसा बना हुआ एक यंत्र, एक डिवाइस, एक मशीन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रोबोट यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर्टनली निश्चित AI रोबोट ऑप्टेन रिफर टू एज रोबोटिक सिस्टम और एटोनोमस मशीन और डिवाइस दैट कंबाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। यहाँ तक मैंने क्या बोला, समझिए इस बात को। रोबोट आने की एक ऐसा है जो रोबोटिक सिस्टम पर आधारित है, ऑटोनोमस है, और मशीन डिवाइस है जो कंबाइंड किसका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने का मतलब यह हुआ कि यह एक मानविक आंतरिक, मानव द्वारा बनाया गया यह आंतरिक मशीन, ठीक है, रोबोटिक सिस्टम पे आधारित है। यानी ऑटोनोमस जो खुद ब खुद काम करता है, ठीक है, सिस्टम के आधारित पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, AI तकनीक के आधार पर, ठीक है, विथ फिजिकल कैपेबिलिटीज टू परफॉर्म टास्क विदाउट कॉन्स्टेंट ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसमें क्या बता बोल रहा है कि जो फिजिकली कैपेबिलिटी है, जिस तरह से मनुष्य, जिस तरह से मनुष्य अब चल सकता है, फिर सकता है, बोल सकता है, ठीक उसी तरह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक उसके अंदर सिस्टमेटिक ढंग से उसको कम किया रहता है, मैन्युफैक्चरिंग किया रहता है, ठीक है, उसको बनाया गया रहता है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन डाला गया रहता है, तभी वो रोबोटिक मानव जैसा वर्क करता है, सोच सकता है, समझ सकता है, बोल सकता है, वर्क कर सकता है। कभी कभी तो आज इतने एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया कि रोबोटिक यहाँ एक तरह के मशीन है, फिर भी वो फील कर सकता है, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो मानव जैसा पूरा वर्किंग करता है, और मानव जैसा दिखता भी है, ठीक है, उसके अंदर ऐसा, उसके बाहर से लेकर अंदर से बाहर तक उसकी ऐसा स्ट्रक्चर बनाया रहता है कि वह एक मानव जैसा लगता है, ठीक है, यानी कि लगेगा ही नहीं कि वह मशीन से, यानी उसका स्ट्रक्चर, उसका बॉडी, उसका स्किन, जो बाहर का स्किन है, वो सेम टू सेम मानव जैसा ही लगता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमें यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को कि रोबोट क्या चीज है, ठीक है, इसे समझिए, आप विजुअलाइज कीजिए, इस डिफिनेशन के माध्यम से समझिए कि रोबोटिक क्या चीज है, ठीक है। सबसे पहले ये हो गया रोबोटिक, उसके बाद क्या है कि दीज रोबोट आर डिजाइन टू परसीव देयर एनवायरमेंट, प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड मेक डिसीजन टू कैरी आउट स्पेसिफिक एक्शन। यहां तक समझिए, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है, ये ऐसा रोबोटिक है, एक ऐसा रोबोट है जो आने की मानव जैसा ये परसीव देयर कर सकता है, एनवायरमेंट को अनुकूलित हो सकता है, एनवायरमेंट जो आपके जैसे सबका अपना एक एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, तो वो अपने एनवायरनमेंट के अनुसार अनुकूलित होता है रोबोट, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या बता रहा है कि मेक डिसीजन, वो डिसीजन ले सकता है, जिस तरह से मनुष्य सोच सकता है, समझ सकता है, वो डिसीजन ले सकता है, यानी अपने उसके अंदर कैपेबिलिटी है सोचने समझेगा सही गलत क्या चीज़ है वो परखता है मनुष्य, ठीक उसी तरह रोबोट भी और मेक डिसीजन बना सकता है।
टू कैरी स्पेसिफिक एक्शन, वह एक्शन ले सकता है। यानी कि आप इसको, आप रोबोट को जिस तरह से इंस्ट्रक्शन देंगे, जिस तरह से आप कहेंगे, उस तरह से आपका इंस्ट्रक्शन को सुन करके इनपुट लेकर प्रोसेस करके आउटपुट देगा, ठीक है। यानी कि एक कंप्यूटर के आधार, कंप्यूटर में आप जिस तरह से ऑपरेट करते हैं, ठीक उसी तरह आप रोबोट को भी ऑपरेट करेंगे, ठीक है। जिस तरह से आप कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसी तरह रोबोट को भी इंस्ट्रक्शन देंगे, तो उसी तरह से आपका वो वर्किंग करेगा आपके हिसाब से। कभी कभी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें हो जाता है कि रोबोट को इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ता, वो फीलिंग्स को भी समझ लेता है। कभी कभी ऐसा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ जहाँ तक हम आप लोगों को बता देता हूँ कि रोबोट एक तरह से मानव जैसे ही वर्किंग करता है, लेकिन रोबोट बहुत ही फास्ट, और उसके माइंड जो मनुष्य की अपेक्षा है वो बहुत फास्ट वर्किंग करता है, ठीक है। सोचने समझने में थोड़ा सा जो उसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, ठीक है, वो मनुष्य की अपेक्षा फास्ट काम करेगा। यानी कि मनुष्य तो थक भी जाता है वो काम करते करते, लेकिन रोबोट ऐसा नहीं है, ठीक है। रोबोट एक तरह का मशीन है, तो वो थकेगा कैसे, ठीक है, ये समझिए। उसके बाद फिर है कि ऑब्जेक्टिव, दे कैन बी फाउंड इन इन वेरियस डोमेन इंक्लूडिंग इन मैन्युफैक्चरिंग। देखिए एलेन क्या बोल रहा है, एलेन ये बोल रहा है कि आप रोबोट को कहाँ कहाँ देख पाएंगे, कहाँ उसे आप ढूंढ पाएंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा मिलता है रोबोट मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग करने का मतलब है कि जहाँ पे कंपनीज वगैरह रहते हैं, जहाँ पे इंजीनियरिंग इंजीनियर सब बनाते हैं अपना मैकेनिकल इंजीनियर में कुछ मशीन तकनीकी, वहाँ पे रोबोट का काम आता है। वहीं पे रोबोट बनाया भी जाता है, और वहीं पे रोबोट को, जहाँ पे रोबोट बनाया गया, जिस कंपनी में रोबोट बनाया गया उसी कंपनी में तो रोबोट काम करेगा, ठीक है। तो वहाँ जिस कंपनी में बनाया गया रोबोट वहाँ पे काम करेगा, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज तो रोजगार, यानी कि जो एम्प्लॉयज का है वो तो खत्म हो जाएगा, वो एम्प्लॉयज का काम रोबोट करेगा। तो यहाँ पे ये समझिए, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग में पाया जाता है, उसके बाद हेल्थ केयर में, जहाँ पे स्वास्थ्य विभाग है वहाँ पर रोबोट का काम आता है। एग्रीकल्चर में, कृषि विभाग में, कृषि में, स्पेस में, एक्सप्लोरेशन स्पेस, जहाँ पर, जैसे में स्पेस कहने का मतलब है कि आप बहुत बड़ा संस्थान है स्पेस का, जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर नासा, इसरो, यहाँ पे रोबोट का काम आता है। फिर हेल्थ केयर में अभी मैंने बताया जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ पर, उसके बाद फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन में एंड मोर एआई, और भी जगह पे एआई का उपयोग होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स का यूटिलाइज उपयोग किया जाता है, सेंसर एक्चुएटर्स एंड एल्गोरिथम टू इंटरैक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि विथ एंड अडाप्ट टू देयर सराउंडिंग इनेबलिंग देम टू कंप्लीट। इसमें क्या करा है कि जो एआई रोबोट है उसका, उसके साथ यानी कि उसके सराउंडिंग इनेबलिंग किया जाता है, ठीक है। कंप्लीट टास्क दैट रेंज फ्रॉम सिंपल टू हाई कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या कर रहा है यह ध्यान से समझिए। इसमें ये बोल रहा है कि जो एआई का जो रोबोट है उसका यूज सबसे पहले ये देखने को कहाँ मिलते हैं मिलेगा ज्यादा, यहाँ तो मतलब हर जगह पे तो रोबोट नहीं मिलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रोबोट को हैंडल करना किसी के सबके बस की बात नहीं है। वहां पर बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े इंजीनियर ही वहां पे बनाते हैं, और वही हैंडल उसको कर सकता है। आम आदमी अगर यदि हैंडल करने लगे तो हमको जिस जैसा इंस्ट्रक्शन देता है उस तरह से वो काम करेगा, मुश्किल है, ठीक है। इसमें ये फिर क्या बोल रहा है कि यह जो रोबोट है वो बड़ा बड़ा कंपनीज में बनाया भी जाता है, और वहीं उसका उपयोग भी होता है, ठीक है। तो ज्यादा इसमें मेनली कहाँ यूज होता है, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, और यहाँ पे स्पेस। स्पेस कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे बड़े बड़े संस्थान हो आ जाते हैं, इसरो, नासा, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग कि क्या इसका फीचर्स यानी क्या इसका बेनिफिट है रोबोट का, ठीक है। तब तक वीडियो में बने रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें क्या है कि अबाउट रोबोट में मैंने अभी इसका डिफिनेशन बताया, फिर इसमें क्या है कि ये जो पॉइंट है स्टार, यहाँ से समझिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, श्योर हेयर आर सम सिंपल पॉइंट्स अबाउट एआई रोबोट, ठीक है। सिंपल कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं, इस 6 पॉइंट्स को हम देखेंगे कि रोबोट के बारे में यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम फिर चर्चा करेंगे। यहाँ पे रोबोट लाइक क्या है कि यूनिमैट इन 1961 में, यानी 1961 में, कुड टू डू टास्क, टू डू यानी यहाँ पे कुड, यहाँ पे डू जो है टास्क, ठीक है, ये इसको समझिए। ओवर एंड लाइक मूविंग थिंग्स इन फैक्टोरीज, फैक्ट्रीज। इसमें क्या है कि जो रोबोट है, ठीक है, रोबोट उसका यूज, यूनिमेट एक संस्थान है, ठीक
ठीक है, कंपनी है जिसका इसमें इसका बनाया गया था टास्क के अनुसार, ठीक है, का फैक्ट्री है जो यहाँ पे, ये जो ये है यूनिमेट, एक तरह का क्या संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1961 में रोबोट को यहाँ पे सबसे पहले बनाया गया था, यानी कि लाइक मूविंग यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाया गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दे हेल्प क्या, यानी कि रोबोट दे हेल्प, ये दे किसके लिए है, रोबोट के लिए, हेल्प फैक्ट्रीज वर्क फास्टर एंड मोर इफिशियंटली, ठीक है। उसके बाद क्या इसमें बोल रहा है कि रोबोट है, जो रोबोट है सो यानी कि ये हेल्प कर सकता है क्या करने में, हेल्प फैक्ट्रीज वर्क फास्टर एंड मोर इफिशियंटली, जो यहाँ पे बहुत सारी कमी है उसको दूर कर सकता है रोबोट, यानी कि जो एक मनुष्य एक मानव जो कर सकता है वो उससे भी ज्यादा अधिक रोबोट काम कर सकता है, फास्टर, उससे फास्ट काम कर सकता है, जो मनुष्य नहीं कर सकता है वो रोबोट कर सकता है, ठीक है, यानी कि काम की अपेक्षा में, वर्क की अपेक्षा में, बाकी बस सोचने समझने में तो रोबोट से, जो जो रोबोट सोच सकता है उससे अधिक मनुष्य तो उसके पास सोचने समझने की क्षमता रहता है, ठीक है, लेकिन वर्क के मामले में, काम के मामले में फास्ट कौन करते करेगा, रोबोट, मनुष्य की अपेक्षा में। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं इस वीडियो में, अब ध्यान समझिए, रोबोट इसमें इसका क्या बेनिफिट है ये हम समझ रहे हैं, और इसका क्या हानि है वो भी हम जानेंगे यहाँ पे, अभी जितने अभी शुरू से लास्ट तक अभी जहाँ तक अभी यहाँ पहुंचे हैं, ठीक है, यहाँ तक सब बेनिफिट ही मैंने बताया, ठीक है, कि रोबोट क्या है और ये किस तरह से बेनिफिट करता है, और मनुष्य और रोबोट के बीच जो तुलना है, कंपेरिजन है, उसके बारे में हमने बताया, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट भी क्या है कि रोबोट कैन डू जॉब्स दैट माइट बी डेंजरस फॉर पीपल लाइक हैंडलिंग हार्मफुल मटेरियल। इसमें क्या है कि रोबोट जो जॉब काम कर सकता है वो बहुत, यानी कि यहाँ पे ये देखिए ये जॉब ले सकता है, जो कहने का मतलब यह हुआ कि आज के डेट में एक कंपनी में सपोज दैट 10,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है, उनमें से 10,000 में से एक रोबोट 5 एम्प्लॉयज के बराबर काम करता है, सपोज दैट एक रोबोट 5 एम्प्लॉयज के बराबर काम करता है, तो 10,000 एम्प्लॉयज है, ठीक है, तो सोच सकते हैं कि एक रोबोट 5 एम्प्लॉयज के बराबर का वर्क कर लेता है तो वहां पे 5 रोज एम्प्लॉयज का रोजगार चला जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि रोबोट कैन डू जॉब, यानी रोबोट जॉब ले सकता है, ठीक है, लेकिन वो इतना फास्ट काम करता है, इतना फास्ट कि 5 व्यक्ति के बराबर, 5 एम्प्लॉयज के बराबर वो अकेले कर लेता है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज का रोजगार गया ना। तो यही चीज इसमें बता रहे हैं कि रोबोट क्या चीज है और क्या हम समझ रहे हैं और क्या है, ठीक है। यहाँ पे ये सब भी समझ लीजिए कि फायदे के साथ नुकसान भी है रोबोट, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूँ, जो रोबोट बनाया था, रोबोट को जो बनाया था जो वैज्ञानिक जेफरी हेंटन ने, वो खुद कहा था कि मैंने रोबोट को बनाकर गलती किया, ठीक है, बहुत ही बड़ी गलती किया कि आज कितने जाने हजारों एम्प्लॉयज का रोजगार ले लिया, ठीक है, और वो इतना पावरफुल है कि जब वहां पे एक इंजीनियर जिसने बनाया था रोबोट को, उसने रोबोट से पूछा क्या तुम मानव समाज के लिए या मानव समाज पे मानव के लिए तुम उस पे कब्जा करना चाहते हो या फिर कब्जा कर लेते हो, ये सवाल पूछा गया, ठीक है, यानी कि समझिए कि सवाल क्या पूछा गया कि क्या तुम मानव के पर कब्जा करोगे। तो यहाँ पे सिंपल जवाब रोबोट का क्या था कि नहीं, मैं मानव पर कब्जा नहीं करूंगा, लेकिन उसे मैं कैद करके रखूंगा। सोच सकते हैं कि ये रोबोट का क्या सोच है, क्या उसका काम करने का तरीका है, क्या कहा कि मैं मानव पर कब्जा नहीं करूंगा लेकिन कैद करके रखूंगा, उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा लेकिन उससे कैद करके रखूंगा और अपने अनुसार उसे वर्क करवाऊंगा, ठीक है। तो सोच सकते हैं कि रोबोट कितना खतरनाक साबित हो सकता था। तो उसी टाइम जिस टाइम ये बात बोला रोबोट, उसी टाइम जिसने बनाया था, जो इंजीनियर जो साइंटिस्ट बनाया था, तुरंत उसको वहीं पर खत्म कर दिया था, रोबोट को तुरंत वहीं पर तोड़फोड़ कर दिया, उस रोबोट को जिसने बनाया वही ने उसे रोबोट को तुरंत क्रैश कर दिया रोबोट को, ठीक है। तो रोबोट को सोच सकते हैं कि क्या वो सोच सकता है, क्या वो कर सकता है, ठीक है। रोबोट एक तरह से बेनिफिट भी है और बहुत ही हार्मफुल भी है। तो यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि बेनिफिट के साथ हानि भी है, कैसे वो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चौथा पॉइंट में क्या है, चौथा पॉइंट में क्या है, इसमें क्या बोल रहा है कि दे आर लाइक, इसमें वे लोग किसे हैं, ठीक है, दे आर लाइक हेल्पफुल भी है मशीन, हेल्पफुल मशीन भी है, ठीक है, एंड दैट फॉलो इंस्ट्रक्शन,
वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो भी करता है रोबोट एंड टू गेट थिंग डन, यानी कि जिस रोबोट क्या करता है, मानव द्वारा लिया गया इंस्ट्रक्शन को सुनता है, समझता है और उसके अनुसार आउटपुट देता है, वर्क करता है। ठीक है, वही चीज़ इस लाइन में बोल रहा है। एआई रोबोट क्या है? ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर डिजाइन टू लर्न एंड बिकम बेटर एट टास्क ओवर टाइम, यानी कि यह बेटर है वर्किंग करने में। एआई रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप देख ही ले होंगे कि आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आया है कि आदमी के चेहरा भी नहीं, मतलब रोबोट का चेहरा से पहचान नहीं पाएगा कि ये आदमी है या रोबोट है। ठीक है, इस तरह से इंस्ट्रक्शन उसमें इस तरह से ढांचा स्ट्रक्चर तैयार किया गया कि कंफ्यूजन हो जाता है कि रोबोट है या मानव है। ठीक है, तो पहला पांचवा पॉइंट में क्या है कि एआई, यानी जो एआई रोबोट है और डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है कि वह लर्न, उसको सिखाया गया, उसके अंदर जो चिप मेमोरी लगाया गया है ऐसा लगाया गया है कि वो, मतलब कि जिस तरह से आप इधर से इंस्ट्रक्शन देंगे उस तरह से वो वर्किंग करेगा। ठीक है, लेकिन एडवांस इतनी आ गई है कि वो मनुष्य को भी कैद करने की क्षमता रखता है रोबोट। ठीक है, रोबोट को इतने भी एडवांस उसको बनाया गया है कि उसे आने लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए बॉर्डर पे उसे भेजा जाता है। ठीक है, बनाकर, लेकिन वो अभी तो फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन आगे क्या होता है अब फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जैसे जैसे नए नए अपडेट आते रहेगा हम रोबोट के बारे में आप लोगों को बताता रहूंगा। ठीक है, फिर छठा पॉइंट में क्या है कि सम सम एआई रोबोट कैन इवन टॉक एंड हैव कन्वर्सेशन लाइक वर्चुअल फ्रेंड्स। इसमें क्या बोल रहा है? फ्रेंड्स यानी एआई जो रोबोट है एक मित्र के जैसा, एक दोस्त के जैसा बात करता है। आप जिस तरह से बात कीजिएगा, आपका एक व्यवहारिक वहां पे बिहेव वो खुद ब खुद करेगा। आप जिस तरह से उसे टॉक कीजिएगा वो एक फ्रेंड्स के जैसा, एक मित्र के जैसा, एक आप कहिएगा तो रिलेशनशिप जैसा वो बात करेगा। ठीक है, एआई रोबोट उस कैन इवन टॉक कर सकता हैव कंजर्वेशन, वो बातचीत कर सकता है लाइक किसके जैसा, वर्चुअल फ्रेंड्स यानी एक क्लोजली फ्रेंड के जैसा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा और क्या सुना? ठीक है, यही लास्ट तक वीडियो है। इसमें मैंने शुरू से अभी तक सबसे पहले इसमें आप लोग ध्यान से समझिए कि रोबोट क्या चीज़ है, वो तो पता चल गया, फ्रेंड्स के जैसे वर्किंग करता है यानी कि फ्रेंड जैसे बात भी करता है, इससे पता चलता है कि वो एक तरह से बेनिफिट है, बेनिफिट है। हानि इसमें, हार्मफुल ये है कि वो मानव को अपने अंदर कंट्रोल में रखने की क्षमता रखता है, मानव पर एक तरह से कब्जे करने की क्षमता रखता है और वो मानव जैसा तो सोचता समझता नहीं है, उसके अंदर फीलिंग्स भी कोई को ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी में दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और गौर कीजिएगा कि जो रोबोट है वो कितने नए जान ना जाने कितने, मतलब एम्प्लॉयज का रोजगार भी छीन सकता है। ठीक है, यानी कि आप सोच सकते हैं कि एक रोबोट 5 एम्प्लॉयज के बराबर काम कर लेता है, तो वहाँ पे एक मतलब वहाँ पे 5 एम्प्लॉयज तो का रोजगार चला जाएगा, उसी तरह से आप वहाँ पे मल्टीपल इंटू कर लीजिए कितने रोजगार खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रोबोट एक तरह से फायदा भी है नुकसान भी है। चलिए फिर नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं आगे। तो चलिए आज फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? फीडबैक ऑफ रोबोट। यहाँ पे कहने का मतलब यह हुआ कि रोबोट के कुछ फीडबैक है, इसका कुछ फीडबैक कहने का मतलब यह हुआ कि इसका क्या निष्कर्ष है। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो रोबोट यहाँ पे फीडबैक क्या इसमें बता रहा है? फीडबैक सबका एक निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, अभी जो मैंने इस वीडियो में जाना कि रोबोट क्या है, इसका क्या बेनिफिट है और क्या बेनिफिट के साथ नुकसान भी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बताने के पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप लोग समझिए कि रोबोट हमारे लिए क्यों उपयोगी है, कैसे उपयोगी है और उपयोगी के साथ नुकसान भी है। ठीक है, इसे जानना बेहद ही जरूरी है। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आते हैं जितने फायदे भी होते हैं उस फायदे के पीछे नुकसान भी है। ठीक है, तो यहाँ पे फीडबैक से पता चलेगा कि यह किस तरह से निष्कर्ष इसका निकलता है रोबोट का। ठीक है, इसमें क्या है कि सर्टनली जो निश्चित यहाँ पे दिया गया है फीडबैक अबाउट एआई रोबोट इन सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो पहला यहाँ पे जो पॉइंट है इस पॉइंट से समझिए क्या कह रहा है कि आई एआई जो रोबोट है लाइक क्लेवर हेल्पर्स, यानी जो एआई जो रोबोट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोबोट है वो बहुत ही चतुर और चालाक जैसा वर्किंग करता है, हेल्पर एक मददगार के जैसा वर्किंग करता है, बहुत ही चतुर और चालाक, यानी कि उसके पास जो मनुष्य के साथ चालाकी उससे 2 गुना हमको लगता है उसके पास रहता है रोबोट के पास, यानी सोचने समझने की क्षमता मनुष्य से कहीं थोड़ा कम रहता है, लेकिन वर्किंग में चालाकी में उससे ज्यादा यादगार में याद रखने में मेमोरी पावर
कहीं मनुष्य ज्यादा रोबोट कराता है, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है कि दे कैन डू टास्क दैट आर ट्रिकी बोरिंग, ठीक है। ट्रिकी बोरिंग भी हो सकता है फॉर पीपल, लोगों के लिए। दे आर गेटिंग स्मार्टर एंड बेटर एट देयर जॉब, यानी कि जो इसका वर्क मिलता है, जो इसका काम मिलता है करने का, रोबोट का जो करने का इसका काम रहता है, वो कहीं मनुष्य से, मानव से कहीं स्मार्ट और बेटर कर सकता है रोबोट, ठीक है। यही इसका फीडबैक बता रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि समटाइम्स कभी कभी दे कैन टॉक लाइक ये फ्रेंड, रोबोट कभी 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 क्या यह बात कर सकता है फ्रेंड के जैसा। रोबोट एक, मैंने अभी जस्ट इसके पहले बताया कि रोबोट एक फ्रेंड के जैसा बात करेगा, एक दोस्त के जैसा बात करेगा, ठीक है। आप उसके साथ अपने भाव, अपने विचार को शेयर कर सकते हैं और वो भी आपका सॉल्यूशन बता सकता है। रोबोट में ये उसका एक कैपेसिटी रहता है, ठीक है। वो आपका सॉल्यूशन कर सकता है, आपका वर्किंग का, आपका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल सकता है, ठीक है। एक दोस्त के जैसा वह बात करता है रोबोट। उसके बाद फिर क्या बता रहे हैं कि दे आर यूजफुल इन मेनी प्लेसेस। उसका रोबोट का यूज बहुत सारी जगह पे इसका यूज किया जाता है, बहुत सारे प्लेस में, बहुत सारी जगहों में इसका यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? मुख्यतः यहाँ बहुत ही बड़े बड़े संस्थानों में यूज किया जाता है। मेनली आप देखिएगा तो बड़े बड़े स्पेस, बड़े बड़े उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है। आप इसे पब्लिकली इसका यूज नहीं होता है, जहाँ पे इसका बनाया गया मैन्युफैक्चरिंग है, कंपनी है, वहीं इसका यूज होता है, ठीक है। बड़े बड़े जहाँ पे मतलब ज़्यादा मतलब वर्किंग के लिए रहता है, बहुत बड़े बड़े वर्किंग प्लांट के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण से समझिए कहाँ यूज होता है। आप देख सकते हैं स्पेस में, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटल, फिर जैसे बहुत बड़ा संस्थान जैसे इसरो, नासा, ये सारे जगहों में इसका यूज किया जाता है, और भी है कंपनीज में, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या है कि सच एज मेकिंग थिंग इन फैक्ट्रीज में, फैक्ट्रीज हो गया, हेल्पिंग हेल्पिंग डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल, यानी डॉक्टर्स के जहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ का नर्स का, जैसे जहाँ पे हेल्पिंग हेल्पर जो सहायक डॉक्टर होते हैं, ठीक है, सहायक डॉक्टर होते हैं, वहाँ पे रोबोट का यूज भी किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ ये मतलब यूजिंग यहाँ पे होता है, ठीक है। कहाँ पे? हेल्पिंग फॉर डॉक्टर, जहाँ, जैसे कहने का मतलब यह हो कि बहुत बड़ा ऐसे हॉस्पिटल में इसका यूज किया जाता है रोबोट को, ठीक है। जहाँ पे एक हेल्पर डॉक्टर्स के लिए होता है, यानी कि उसका जो कंपाउंडर के रूप में, ठीक है, ये समझ लीजिए। यानी कि रोबोट एक तरह से बहुत सारी जगह पे इसका यूज किया जाता है मेनली। आप ये इस वीडियो में मैंने क्या इसका फायदा है, क्या इसका बेनिफिट है, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन ये एक बात और जान लीजिए, रोबोट आज के डेट में कहिएगा तो आने वाला दिन में और आज का डेट में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जा रहा है, और यह बहुत ही उपयोगी उपयोगी के साथ हानि भी है इसमें, ठीक है। तो हानि क्या है ये तो आप लोग जान ही लिए होंगे, यानी कि आप अभी तो देख सकते हैं कि एआई का इतना यूज, तेज यूज हो रहा है कि आप इसमें मनुष्य और टेक्नोलॉजी, मनुष्य और रोबोट में कुछ अंतर ही नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो इसमें आप एक समझ ही गए होंगे, आशा करता हूँ कि जो जितनी सारी मैंने बातें बताया आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया गया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि रोबोट क्या चीज़ है, इसके बारे में पता चले, ठीक है। फिर इस वीडियो को अगर यदि आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।